आप अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं? मुझे पता है बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं, पर आपको पता है अगर सनस्क्रीन ना लगा क्या आप अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं? मुझे पता है बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं, पर आपको पता है अगर सनस्क्रीन ना लगाए तो आपके चेहरे पे कितना इफ़ेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। क्या आप अपने मॉइस्चराइज करते हो अपने चेहरे को? मुझे पता है बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं। भाई देखो, आज के दौर में आपको खुद को पता है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि अगर हम ये सब चीज़ें ना यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है हमारे चेहरे पे। जिसके बारे में मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चल सके कि आप अपने चेहरे पे क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्या नहीं यूज़ कर रहे हो और क्या किस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए पहले मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दीपाली, आप देख रहे हो ब्यूटी टिप्स विद दीपाली। पहले मैं बात करूँगी सनस्क्रीन के बारे में। तो सनस्क्रीन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहा है हमेशा से, और मैं सनस्क्रीन मुझे याद है कब से लगा रही हूँ, जब मैं कॉलेज में थी, मतलब मैं 12th में थी, तब से मैं सनस्क्रीन लगाना हमेशा से ही प्रेफर करती हूँ। मैं कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन सनस्क्रीन मैंने 12वीं से लेकर आज तक कभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे लिए मेरा मानना है कि सनस्क्रीन लगाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं या घर में भी हैं तो जो सन प्रोटेक्शन होता है ना, जब हमारा जब सूरज की जो किरणें होती है सीधा हमारे चेहरे पे आती है, तो जिससे ना अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो हमारे स्किन पे ना वो छाइयों का प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी देखना है किसी किसी लोगों को ना चेहरे पे काले काले धब्बे होते हैं, जो ऐसा लगता है कि वो जल गया है या इस टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। रीज़न यही है कि वो सनस्क्रीन नहीं लगाते, जो इस वजह से वो सन प्रोटेक्शन नहीं होता उनके चेहरे पे और वो झाइयाँ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर आती हूँ मॉइस्चराइज़र पे। तो मॉइस्चराइज़ करना इट मीन्स कैसे, अगर आप जब मुँह धोते हो तो वो ठंडा पानी होता है, तो आपके जब मुँह अच्छी तरह से फेस वॉश करते हो, फेस वॉश करने के बाद आप ठंडे पानी से मुँह धोते हो, तो जितने भी चेहरे के अपना चेहरे का जो पोर्स है ना वो ओपन हो जाता है, वो एकदम ओपन हो जाता है। तो कैसे होता है कि अगर हम उस समय उसको मॉइस्चराइज के लगाकर उसे ब्लॉक नहीं करें तो उसमें बहुत सारी मिट्टी या धूल प्रदूषण जो भी हम बाहर चले जाते हैं बिना कुछ लगाए, तो उसके वजह से ना जब वो अंदर चला जाता है तो उस वजह से बहुत पिंपल्स आना शुरू हो जाता है, बहुत लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको उस बारे में बिल्कुल नहीं पता चलेगा, जब आप एक टाइम के बाद जब होने लगोगे ना, तो जिस भी एज में हो आपको उसके पहले ही झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, फिर आपके स्किन बहुत ज़्यादा डल होने लगती है, स्किन ग्लोइंग नहीं होती है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ जाता है। इसीलिए आपको ये सभी चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसमें बताऊँगी कि कौन कौन से बेस्ट सनस्क्रीन हैं जो आप यूज़ कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ, मैं कभी भी सनस्क्रीन सेम कंपनी या सेम ब्रांड की कभी नहीं लगाती, हमेशा अलग अलग चेंज करते करते ही लगाती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि कौन सी सबसे बेस्ट है। लेकिन जहाँ तक मैं कुछ कुछ ब्रांड बताऊँगी जो बहुत बेस्ट है सनस्क्रीन की बेसिस पे लिए, और कुछ ब्रांड है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जो अच्छी है ऐसे पाँच कंपनीज, मतलब वो पाँच मैं ब्रांड बताऊंगी, वो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। आपको जब भी आप मेक श्योर जब भी आप सनस्क्रीन लगा रहे हो तो वो 30++ ही होना चाहिए, उससे कम के बीच में कभी नहीं जाओ, बिकॉज सन प्रोटेक्शन अगर घर पे हो तो 30, अगर बाहर हो तो 50+ पे जाओ, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला, जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने पहला जो सनस्क्रीन यूज़ किया था वो है लैक्टो का, जो मुझे बहुत ढूंढने के बाद इस बार मुझे अमेज़ॉन से मिला। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सीरियसली ये सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा है। मैं इसको ना जब कॉलेज में पहला जब मैं सनस्क्रीन स्टार्ट की थी तब मैंने इसी से स्टार्ट किया था और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा पहला यूज़ था और मैं इसको हमेशा ढूंढती रही थी लेकिन कभी भी मुझे कहीं मिला ही नहीं।
तो मैंने एक दिन ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे अमेजोन पे मिल गया, तो इसलिए मैंने ये खरीद लिया। और ये मैं सबको रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देन साथ में इसके बाद जब मैंने स्किप किया तो दूसरे पे मैं आ गई थी लोटस पे, जो मैंने यूज़ कर लिया ऑलरेडी, मैंने उसे फेंक भी दिया, इसलिए मैं उसके पास, मेरे पास उसका बॉक्स नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा मैं आती हूँ आपको सनस्क्रीन के लिए, कि तीसरा सनस्क्रीन है काया का। काया का भी सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा है, मतलब सीरियसली मुझे उसका रिजल्ट भी अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत जेल फॉर्म में है और जब आप उसे चेहरे पे लगाते हो ना तो वो पूरा स्किन पे अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाता है और स्टिकनेस नहीं लगती, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा स्टिकी स्टिकी फील नहीं होता, भारी भारी नहीं लगता, एकदम हल्का, एकदम लाइट वेट हो जाता है, ताकि आपको आपको पता ही नहीं लगता कि हाँ आपने चेहरे पर कुछ लगाया। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा काया का। चौथा लाक्मे का। लाक्मे का भी सेम रिजल्ट आता है, जिस तरह से ये काया का देता है उसी तरह से लाक्मे का भी देता है। और पांचवा ये बायोटिक का है, ये भी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन घर में आप अगर हो तो घर के लिए आप अच्छी सनस्क्रीन है, ये घर में यूज़ करने के लिए बेस्ट है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा देता है। इवन मैं इस सनस्क्रीन को ना 1.5 महीने या 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ और ये अभी भी चल रही है, तो ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में देता है। तो ये पांच तरह के मैंने आपको सनस्क्रीन बताया। सबसे अगर रिजनेबल प्राइस में चाहिए तो आप बायोटिक का यूज़ करें, पहले आप उसी से स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि मैं पहले ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो आप बायोटिक पे जाएं, वहाँ ये खरीद लें, उसके बाद आप ये इस पे अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरा खरीद सकते हो। लोटस का भी काफ़ी रिजनेबल है, आप उसे भी खरीद सकते हो, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। इवन मैं बताती हूँ कि लोटस का जब आप लगाओगे ना तो थोड़ा सा हैवीनेस लगेगा स्किन पे, थोड़ा लगेगा, जब वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा ना तो आपका एक शेड ऊपर हो जाता है, मतलब आपका जो चेहरे का जो भी कलर है ना उससे एक कलर और ऊपर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा चमकने लगता है। तो ये लोटस का एक बेनिफिट है। बायोटिक का भी एक फाउंडेशन टाइप में है, अगर आप उसे लगाते हो तो एक शेड ऊपर जाता है, लेकिन उसके साथ आप कॉम्पैक्ट लगा लो, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये तीन चीज़ हैं, तीन जो मैंने आपको बता दिया, ये काफ़ी रिजनेबल है। लैक्मे और काया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वो अच्छी रिजल्ट देती है। तो ये मैंने आपको सनस्क्रीन बताया, सनस्क्रीन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं आती हूँ मॉइस्चराइज़र पे। मैं मॉइस्चराइज़र ज़्यादातर यूज़ एलोवेरा ही करती थी, इसके अलावा नहीं करती थी, बट मैंने अभी स्टार्ट किया है बायोटिक का, ये काफ़ी अच्छा। तो बात करूँ मॉइस्चराइज़र का, तो मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं इसके पहले तो एलोवेरा जेली लगाती थी तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब मैं मॉइस्चराइज़र बायोटिक का ही यूज़ कर रही हूँ अभी 2-4 दिन से, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मुझे अच्छा लगा ये। बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, मतलब थोड़े देर के लिए आपको मसाज करना पड़ता है, थोड़ा ऑयली ऑयली लगता है, फिर जब थोड़े 5-10 मिनट के बाद बाद वो पूरा ऑब्जॉर्व कर ले जाता, तो ये काफ़ी अच्छा आपको मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा। जो तो मैंने ये बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इफेक्टिव भी है और ये काफ़ी रिजनेबल है, मतलब 160 रुपीज़ या 168 रुपीज़ के अराउंड मुझे मिल गया था, और 190 ml है, मतलब ये काफ़ी अच्छा चलेगा। और जो सनस्क्रीन था ये 120 ml था, मतलब ये दोनों का डिफरेंस देखिए। ये जब मेरा पूरा 3 महीना के आसपास, मतलब 3 मंथ्स मैंने ऑलमोस्ट यूज़ कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा चलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बायोटिक के मॉइस्चराइज़र में, और साथ ही साथ आप इसमें, मैंने इसका नाइट क्रीम भी ख़रीदा था, मैं एक एज अ रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, नाइट क्रीम आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये मैंने नाइट क्रीम भी ख़रीदा था, ये भी अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिकी है, इसलिए मैं इसको नहीं ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ, कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ, अदर मैं इसे नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो होममेड जो मेरा नाइट क्रीम है मैं वही यूज़ कर रही हूँ, मैं वो बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोग के साथ। सो ये मेरा ये वीडियो था मोस्टली इसलिए कि हम जो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र हम अपने चेहरे को ध्यान नहीं देते और जो समय से पहले झुर्रियाँ आ जाती है, उसके लिए ये सब मैंने वीडियोज़ बनाई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, ये सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जितने सनस्क्रीन मैंने बताया उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो।